अरे मेरा भाई युगांडा का प्रिंस सुंदर, कहाँ पर रहते हो? कहाँ पर रहती? हम तुम एक काम करती, ये घर मेरे नाम पे करती। मम्मी पापा रुको। परी परी, अरे लड़की ना कभी जल्दी नहीं उठती। परी चलो उठो। मम्मी सोने दो ना, ठंडी का मौसम है। परी एक तो तुम सुबह जल्दी उठना स्टार्ट करो या तो इस घर को छोड़ दो। चलो। हाँ घर छोड़ दूंगी। क्या? अरे परी उठो, देखो पापा सुबह जल्दी उठ के मॉर्निंग वॉक के लिए गए और तुम देखो। क्यों? हाँ। मॉर्निंग वॉक के लिए? मम्मी क्या झूठ बोल रही हो आप, पापा तो मेरे बगल में सोए, ये देखो। अरे तुम यहाँ पे सोए हो? सुंदर को लेने कौन गए? कौन सुंदर? अरे मेरा भाई युगांडा का प्रिंस सुंदर। अरे कौन गेंडा? अरे गेंडा नहीं, युगांडा, युगांडा का प्रिंस। क्यों प्रिंस मामा? तुम्हारे खानदान में क्या प्रिंस है? ए तुम्हें क्या लगता है मैं ना शाही परिवार से हूँ, समझी ना, तुम्हारे जैसे नहीं ऐसी लुच लफंगी। अब जाओ जल्दी। हाँ जाता हूँ मैं। पहचान जाओगे, उसके आजू बाजू में बहुत सारे बॉडीगार्ड होंगे, बहुत सारा सोना होगा, बहुत सारा। कहाँ गए तुम्हारे पापा? पापा तो चले गए। अच्छा चलो चलो परी, चलो प्रिंस मामा आ रहे। चलो चलो मैं रेडी होती हूँ। चलो चलो चलो। अरे ये सुंदर कैसा दिखता है किसको पता, एक तो उसका मोबाइल नंबर भी नहीं है और ऊपर से मेरी बीवी ने कहाँ कहाँ से ऐसे भाइयों को पाल के रखा है। उधर कुछ तो भीड़ लग रहा है। हाँ उसने बोला था वो प्रिंस है ना, तो शायद से लोग उसको देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं देखता हूँ उनको। अरे क्या भीड़ लगा रखा, इतना अच्छा मेला है, देख भाई साहब आप किसको ढूंढती? तुम तुम्हारा काम कर रहे हो, मुझे मेरा काम करने दो। भिखारी कही क्या? भिखारी बोल दे। हाँ निमुंदा दोस्त्रा अस्त्रे बुमला चल चल। पागल हो क्या रे तुम लोग? मैं युगांडा का प्रिंस होती और ये हमारे बॉडीगार्ड पिंकी और बबली होती। ओ तो तुम वो प्रिंस हो सुंदर? प्रिंस सुंदर। अरे अबे साले साले बुमला। अरे अरे तुम्हारी बहन ने मेरे को भेजा है तुमको लेने के लिए। अच्छा तुम विभिन्न होती? हाँ मैं ही होती, मैं ही हूँ विभिन्न। हाँ विभिन्न। अरे पाई लगू, पाई लगू, जीते रहो जीते रहो। अरे पागल तेरे पैर पे गू है, गू गू। साफ करो साफ करो साफ करती। वो हम चप्पल नहीं पहनती इसलिए लग जाती। हाँ वो सब छोड़ो, हमारा शाही रथ कहाँ होती, हमें अपने महल जाना है। मैं रिक्शा से आया था, मैं रिक्शे से जाऊंगा, रिक्शा से चलते ना। रिक्शा से जाती? नहीं हम रथ से जाती। तुम एक काम करो, मैं रिक्शे से जाता है, तुम लोग पीछे आओ। हाँ रिक्शा रिक्शा हमको छोड़ के जाती, चलो रिक्शा से ही जाती, चलो रिक्शा रिक्शा। अबे जल्दी चल मेरे भाई, इधर मिलती नहीं है रिक्शा। चलती चलती। मम्मी प्रिंस मामा कब आएंगे? अरे पता नहीं, तुम्हारे पापा ना हमेशा लेट होते हर जगह, कुछ काम के नहीं। मम्मी वैसे प्रिंस मामा बहुत अमीर है। अरे हाँ परी, उनका ना बहुत बड़ा महल है, बहुत सारे नौकर चाकर है, बहुत पैसा है उनके पास। हाँ आप गई थी? अरे नहीं मैं तो कभी गई नहीं, मैं मिली भी नहीं हूँ उनसे, ऐसा सुना है मैंने। अच्छा अरे आगे परी अच्छे से लेना ठीक है? ओके मम्मी। आगे। अरे ये वॉचमैन को मैंने बोला था आते जाते
किसी को भी मत भेजा करो। भाई साहब आज ना मेहमान आने वाले हैं, जो खाना बचेगा मैं तुम्हें कल दे दूंगी। वॉचमैन हमारा इंसल्ट करती बुमला। बबली नहीं बिबिन। अच्छा बिबिन होती। ये तुम्हारा भाई, ये प्रिंस। क्या सुंदर? हाँ सुंदर, हम सुंदर होती। पापा ये मामा है मेरा, प्रिंस मामा। ये किसको उठा के लेके आया हूँ, ये कितने डरावना। ये तेरा भाई है, देखना तुम चारों के चारों सेम मिलते हो। मुझे तो पहले से ही डाउट था कि तुम शाही परिवार से नहीं, पक्का जंगली परिवार से हो। तुम्हें तो ना मैं बाद में देख लूंगी। जंगली जंगली लगती हूँ मैं। अरे कितना बकबक करती तुम। अरे वो क्या है सुंदर भैया, बहुत सालों के बाद हम लोग मिले हैं, तो मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। आइए आपका ना स्वागत है, स्वागत है। ये तुम्हारा आरती बंद होती। अरे वो क्या है ना, आपको देख के आरती भाग जाती है। आरती भाग जाती, भाग जाती, भाग जाती। आइए आइए सुंदर भैया, आइए आप ना आराम कीजिए। आइए आइए आइए। अरे तुम कहाँ जाती, तुम इधर ही खड़ी रहती। चलो ये हमारे बॉडीगार्ड होती, ये हमारे साथ हर वक्त रहती। बॉडीगार्ड पिंकी और बबली। हाँ हाँ चलो चलो चलो। प्रिंस भैया आप काफी क्या हुआ, आप काफी थक गए होंगे ना, इतने दूर से जो आए हो। मैं ना आपके लिए चाय और नाश्ते का इंतजाम करती हूँ, ठीक है? करती करती। हाँ मम्मी, मुझे और पापा को दोनों को भी भूख लगी है, प्लीज कुछ खाने पीने का देखो ना। मैं लेके आती हूँ। हाँ जल्दी आओ। अरे टीवी लगा दी। टीवी टीवी लगाओ पापा। ये इतना छोटा टीवी होती, इस टीवी से बड़ा होल तो इनके चड्डी में होती। इंसल्ट करती बबली बोमला। अरे मम्मी पापा, क्या हुआ क्या हुआ, तुम देखो मैंने क्या हुआ। कुछ नहीं होती, शांत हो जाओ, शांत शांत होती। अरे परी भाई साहब, मैं ना आपके लिए बढ़िया खाना बनाती हूँ, ठीक है? हाँ। परी तुम बैठो यहाँ से, मामा से बात करो, मामा से पूछो कि वो प्रिंस कैसे बने, क्या। हाँ। और जरा मेरे भाई की जरा खातिरदारी करो। हाँ हाँ जाओ जाओ। आती वैसे प्रिंस मामा, आप कहाँ पर रहते हो? कहाँ पर रहती? हम युगांडा के प्रिंस होती, युगांडा में रहते। अच्छा, पर वो तो मुझे पता, पर आप युगांडा में कहाँ पर रहते हो? युगांडा युगांडा में वो एक एयरपोर्ट होती, तुमको पता होती? हाँ वो तो मुझे पता है। हम वहाँ नहीं रहती। नहीं रहते? नहीं रहती। फिर वहाँ पर एक बड़ा तालाब होती, तुमको पता होती? हाँ वो बड़ा वाला ना। वहाँ पर हम नहीं रहती। हाँ वहाँ पर एक फेमस गार्डन होती। फेमस गार्डन? तुम्हें नहीं पता होती? नहीं। हम वहीं पर रहती। उस गार्डन में रहते? नहीं, उसके बाजू में हमारा महल होती, बड़ा महल होती। महल में रहते? महल में, महल में रहती। अच्छा। वैसे आप कौन सा बिजनेस करते हो? बिजनेस 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 हम हमारी कोयले की खदान होती। हम उसमें दिन रात कोयला निकालती और उसके अंदर से हमको हीरा मिलती। अच्छा तो इसलिए आप इतने काले हो? अच्छा वहाँ से इतना बड़ा बड़ा हीरा निकालती हम। ओ मतलब आप डायमंड का बिजनेस करते हो? हाँ डायमंड का बिजनेस करती। परी परी। हाँ मम्मी। आ चलो चाय लेके जाओ। हाँ आ रही हूँ। जाती जाती बहुत सवाल पूछती जाती। अरे साले साहब पैसा होती। हम युगांडा का प्रिंस होती, बहुत पैसा होती। हाँ हाँ हाँ। चाय आ गए, चाय चाय आ गई। ये लो चाय ले लो मामा। ये बिस्कुट? हाँ। अरे ऐसा बिस्कुट तो हम अपने कुत्ते को भी नहीं खिलाती, इसलिए तो मम्मी ने आपको दिया है। हाँ। को दिया होती? हाँ। अरे आप खाइए बिस्कुट, खाइए चाय पीती। अरे
पिंकी बबली खाओ खाओ। मुझे ये कोई प्रिंस मामा वगैरह नहीं लगता, मुझे तो लगता है पक्का कुछ दाल में काला होगा। हाँ पर वो कैसे पता चलेगा अब मुझे? हाँ मेरी एक फ्रेंड है जिसके पापा युगांडा में गए थे, मैं उसे फोन करती हूँ। हाँ हेलो। हाँ खुशी। हाँ वैसे तुम्हारे पापा है क्या उधर? हाँ जरा बात करनी थी उनसे। हेलो अंकल। हाँ परी बेटा बोलो। वैसे अंकल आपको पता है आप एक बार युगांडा में गए थे? एक बार नहीं, मैं तो बिजनेस के सिलसिले में बहुत बार जाता रहता हूँ वहाँ पर। हाँ वहाँ पर कोई प्रिंस है जिसका नाम सुंदर है। क्या युगांडा में प्रिंस? हाँ। अरे नहीं वहाँ पर तो प्रिंस वगैरह कोई नहीं है। कोई नहीं है? जिनका बहुत बड़ा डायमंड का बिजनेस है। अरे युगांडा में तो मिट्टी के अलावा और कुछ नहीं मिलता, डायमंड तो बहुत दूर की बात है। किसने बोला तुम्हें ये सब? कुछ नहीं ऐसे ही पूछा। थैंक यू हाँ मुझे ये सब इन्फॉर्मेशन देने के लिए। हाँ ओके बाय बाय। बाय बाय। तो मेरा शक ये सही था, ये मेरा प्रिंस मामा वगैरह कोई नहीं है। सबसे पहले मैं ये बात मम्मी पापा को बताती हूँ। हाँ अभी जाकर बताती हूँ। परी के पापा मेरे प्रिंस भाई को यहाँ पे लेके आइए, खाना रेडी है। परी के पापा भी बच जाइए। खाना क्या खुशबू आ रही खाने की। ये ऐसा खाना ये हम नहीं खाती, हमें शाही भोजन चाहिए होती। शाही भोजन? अब वो क्या होता है? शाही भोजन राजा महाराजाओं का खाना होता है। अरे मंगा लो ना शाही भोजन, हम भी चख लेंगे इसी बहाने। शाही भोजन? हाँ। अरे अपना घर चला जाएगा वो शाही भोजन में। वो क्या है ना प्रिंस भैया, हम कैसे आपके जितने अमीर तो है नहीं, तो हम तो यही सब खाते हैं और आपको यही दे सकते हैं। क्या करती अभी यही खाना पड़ता है, पर तुम्हारा ये जो घर है बहुत छोटा होती। अच्छा तुम एक काम करती, ये घर मेरे नाम पे करती और मैं तुम्हें युगांडा में कोयले की खदान देती। कोयले की खदान? कोयले की खदान से तुम 100-200 कमाती। अरे साले साहब 200 रुपए में क्या चलता है, क्यों आएगा उधर? 200 रुपया नहीं 100-200 करोड़ रुपया होती। अरे बहुत पैसा होती, बहुत पैसा। इनको हार्ट अटैक आ जाएगा। एक काम करो अपना घर हमारे नाम कर देती। हाँ, 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 ये ले, ये ले, कर दो कर दो कर देती। मम्मी मम्मी पापा रुको, वहाँ उस पर साइन मत करो। क्यों? कुछ वैसे मम्मी आप इन्हें बचपन से पहचानती हो? नहीं वो मैं इन्हें बचपन से तो नहीं जानती हूँ। हाँ तो आपको कैसे पता चला कि ये आपका भाई है? वो ना कुछ दिन पहले मुझे फोन आया था कि तुम्हारा ना दूर का युगांडा में एक प्रिंस भाई है जो तुम्हें मिलने के लिए इंडिया आने वाला है, तो तभी मुझे पता चला कि मेरा कोई भाई है यहाँ युगांडा में। मम्मी ये कोई प्रिंस वगैरह नहीं है, इसका बिजनेस भी नहीं है डायमंड का। बिजनेस नहीं है? ये कौन है? ये एक फ्रॉड है। फ्रॉड? परी ऐसे बात करते हैं? हमको फ्रॉड बोलती? हाँ। बच्ची का दुकान काट डालती? नहीं नहीं मम्मी रुको, मम्मी मेरी एक फ्रेंड है जिसके पापा युगांडा में जाते हैं, मैंने उन्हें
फोन किया और पूछा कि वहाँ पर एक प्रिंस है, तो उसने बोला कि नहीं वहाँ पर कोई प्रिंस नहीं है और वहाँ पर डायमंड का भी कोई बिजनेस नहीं है। हमको जाने देती। कौन है तू? है कौन? हमको जाने देती, हम प्रिंस होती युगांडा की। मैं पुलिस को बुलाती, वो तुम्हें जेल लेके जाती। जहाँ पर हम उनको बोलते हैं कि हम तुम्हारे दूध के रिश्तेदार हैं और ऐसे हम शाही खानदान से और उनकी प्रॉपर्टी हमारे नाम करता है। देखो पुलिस को मत बुलाना। नहीं, पुलिस ही तुमको लेके जाती है। क्या बोल रहे? बोलो निमुंदा दूसरा बुमला। अरे ये नहीं, नहीं वो बोलो जो बोलते हैं अपन। क्या बोलना है? लाइक शेयर सब्सक्राइब। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना। और हमारा जो दूसरा चैनल है परिस लाइफस्टाइल शॉर्ट्स, परिस लाइफस्टाइल शॉर्ट्स वाला भी चैनल है जहाँ पर ये लड़की बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट्स बनाती है। वहाँ जाकर आप प्लीज सब्सक्राइब कर लो और हमें जाने दो। और हाँ एक मिनट रुको, और हाँ क्रिसमस स्पेशल हमारी ऑफर चल रही है हमारे स्टोर पे, जिसके लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए। जाइए, बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, जाइए उसे खरीद दीजिए। हम युगांडा का प्रिंस होती। क्या? जेल जाती। जेल जाती। दस्तोत्रेस।